बीते कुछ दिनों से नीति आयोग को लेकर घमासान मचा हुआ था। नीति आयोग की एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग को कई ऑपोजिशन लीडर्स ने बॉयकॉट भी किया। इतना ही नहीं, बंगाल से ममता बनर्जी ने तो इस मीटिंग से वॉकआउट कर दिया। लेकिन ये तो हम सब अब जान रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस मीटिंग का ऑपोजिशन लीडर्स ने बॉयकॉट किया है वो है क्या, ये मीटिंग इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। तो हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। ये वही नीति आयोग है जिसका नाम पहले योजना आयोग होता था। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, तब भारत के विकास की नींव रखने के दौरान पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट आया। शुरुआती दौर में केंद्र सरकार अलग अलग राज्य सरकार से कोऑर्डिनेट करके अलग अलग कामों के लिए प्लानिंग करती थी, जिसके बाद ही विकास कार्यों का फंड जारी होता था। देश के आम बजट में भी इसका जिक्र होता था और जिस भी विभाग का काम होता था उससे संबंधित केंद्र मंत्री उस काम पर नजर रखते थे। अब हम बात करेंगे कि नीति आयोग की बैठक क्यों होती है, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि नीति आयोग है क्या और इसे क्यों बना गया। तो नीति आयोग की स्थापना 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के कुछ ही महीने बाद 2015 में हुई थी। इससे पहले नीति आयोग की जगह योजना आयोग हुआ करता था, जिसका गठन 1950 में हुआ था। तो अब ये जानते हैं कि नीति आयोग का काम क्या होता है। तो नीति आयोग राज्यों के तालमेल से देश के विकास का ढांचा तैयार करता है। अभी इसे बने 10 साल भी नहीं हुए थे कि बंगाल की सीएम ने इससे वॉकआउट करके पुराना वाला योजना आयोग अस्तित्व में लाने की मांग कर दी। 27 जुलाई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही नीति आयोग की बैठक में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधि थे वो आए हुए थे इस मीटिंग में। विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में केंद्र सरकार के भी मंत्री इस मीटिंग में मौजूद थे। इंडिया गठबंधन के 9 मुख्यमंत्री नीति आयोग के सदस्य हैं। उनमें से 6 मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार पर बजट के गलत डिस्ट्रीब्यूशन का आरोप लगाकर इसे बॉयकॉट किया। बाकी मंत्रियों में ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन उस मीटिंग में गए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में होने की वजह से इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए। राज्यों के संबंध में नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना है, यानी कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाना और पूरे भारत के समावेशी विकास को सुनिश्चित करना है। इससे पहले देश में 1950 में योजना आयोग बनाया गया था, जिसने 2014 तक लगातार 64 साल काम किया। योजना आयोग का देश के विकास में अहम योगदान रहा। बीते 10 सालों से अभी इन्हीं संकल्पों के साथ नीति आयोग अपना काम कर रहा है। योजना आयोग मुख्य काम पंचवर्षीय योजना तैयार करके विकास का एजेंडा तैयार करने का था। जमाना बदला तो चीजें भी बदली। जेनरेशन अल्फा यानी कि 2013 से 2024 तक पैदा हुई पीढ़ी ने तो पंचवर्षीय योजना का शायद नाम भी ना सुना हो, और उससे पहले की जेन जी वालों के जहन में भी इसकी धुंधली ही यादें बची हुई होंगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हर साल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होती है। केंद्र सचिवालय की ओर से जारी एक आदेश के तहत इस काउंसिल की स्थापना की गई है। आयोग अपनी बैठकें गवर्निंग काउंसिल के माध्यम से ही करता है। यही मंच प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी और अन्य अहम सदस्यों के बीच सतत परस्पर संवाद सुनिश्चित करता है। उस बैठक का मकसद राष्ट्रीय विकास के एजेंडे को लागू करना होता है। नीति आयोग की बैठकों में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और विकास कार्यों से जुड़ी सभी योजनाओं की विस्तार से चर्चा होती है। इस आयोग के कामकाज से जुड़ी बैठकें तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित होती रहती हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की पिछली यानी कि गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग जो थी वो 27 मई 2023 को हुई थी। उसका थीम जो था वो विकसित भारत 2047 टीम इंडिया की भूमिका थी। तब MSME, महिला सशक्तिकरण और देश की बुनियादी ढांचे और हेल्थ सेक्टर समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ था, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत के विकास के लिए एक रोड मैप बनाना था। अब हम ये जानेंगे कि क्यों नीति आयोग की मीटिंग में सेंटर और स्टेट को साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो किसी भी एरिया में तभी डेवलपमेंट होगा जब सेंटर और राज्य सरकार दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। सतत विकास का लक्ष्य पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य की समान भागीदारी जरूरी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि नीति आयोग ग्रामीण स्तर पर योजनाएं तैयार करने के लिए अगर कोई भी सिस्टम बनाएगा तो राज्यों की उसमें भूमिका बहुत ज़्यादा अहम होगी, ताकि उसमें जमीनी स्तर पर जो भागीदारी है वो सुनिश्चित होकर 100% आउटपुट निकल सके।
अब अगर इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात करें तो नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के लिए महज एक कंसल्टेंसी फर्म जैसा है। नीति आयोग बनाम योजना आयोग की जो बहस है वो एक पॉलिटिकल मसला है। ऐसे में अगर विपक्ष राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो ऐसी बैठकों का बॉयकॉट करेंगे तो इसका असर जो है वो उनकी स्टेट पर अच्छा नहीं पड़ सकता है। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल के अलावा राज्य संहिता मिशन भी चलाता है, जिसका मकसद राज्यों के साथ स्ट्रक्चरल एसोसिएशन को बढ़ावा देना है। ये मिशन राज्यों को उनके टारगेट पूरा करने में मददगार साबित होता है। ये केंद्र और राज्यों के बीच सेतु का भी काम करता है। ये मंच अंतर क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान निकालने की दिशा में भी काम करता है। तो नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर काफी इनोवेटिव आइडियाज बनाते हैं, जिससे कि उस पर्टिकुलर स्टेट में और पूरे देश भर में जो है वो विकास का काम हो सके। तो अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि नीति आयोग है क्या और इसका काम क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।